हेलो एवरीवन, गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून कैसे बेटा? गुड मैम, आफ्टरनून। ठीक है आप कैसे? गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी इज फर्स्ट चैप्टर एमली मेक्स फ्रेंड। ओके, यस मैम। इसमें हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट बात की थी ना। इसमें तो स्टोरी में क्या था, किसकी स्टोरी थी? एमली की स्टोरी थी। हु इज एमली बेटा? एमली कौन है? एलिफेंट है। एमली जा एलिफेंट। ओके, उसके पास दोस्त नहीं थे ना? दोस्त तो क्या करती है वहाँ? दोस्त बनाने के लिए वह क्या करती है? मैं वो ढूंढने दोस्त ढूंढती है। कहाँ ढूंढती है? ढूंढती है मैम जंगल में। जंगल में ढूंढती है। एमली रहती कहाँ पे है? एमली कहाँ पे रहती है? जंगल में। जंगल में रहती है। ओके, तो उसे कौन सा कौन दोस्त मिलता है उसे? वह किसको पहले दोस्त बनाने के लिए जाती है? आपने पढ़ा लास्ट में बर्ड के पास, तो क्या बर्ड उसकी फ्रेंड बनती है? सुना बेटा, बर्ड जो है एमली की फ्रेंड क्यों नहीं बनती है? क्योंकि जिसको बताना पहले फ्रेंड अपना शो करेंगे, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ओके जी, बताइए आलोक। आप आलोक बेटा, एमली की फ्रेंड बिनी क्यों नहीं बनती है? उड़ती है इसलिए। क्योंकि एमली नहीं उड़ सकती ना, और बिनी उड़ सकती है क्योंकि बिनी बर्ड है। बर्ड है ना। ओके, हर्षित बेटा, बिनी जो है एमली की फ्रेंड क्यों नहीं बनी? मैं वो उड़ सकती है। कौन उड़ सकता है, एमली या बिनी? मैं बिनी। एमली क्यों नहीं उड़ सकती है? मैं उसके पास मैं वो एलिफेंट है। उसके पास पंख नहीं है ना? यस मैम। आप बताइए रमा। यस मैम। बेटा बिनी एमली की फ्रेंड क्यों नहीं बनी? क्योंकि उसके पास पंख था। उसके पास पंख था किसके पास? बिनी के पास। एमली के पास पंख नहीं था? नो मैम। नो, यस। तो एमली के पास पंख नहीं था, इसलिए बिनी ने उसे अपना दोस्त नहीं बनाया। क्या कहती है उसने? उससे कहती है कि मैं उड़ सकती हूँ लेकिन तुम नहीं उड़ सकती हो, तो हम दोस्त कैसे बन सकते हैं? यही तो बोला था उसी बिनी ने। क्या बोला था बिनी ने? क्या बोला था एमली से? यस एमली, यस उसने कहा था कि मैं उड़ सकती हूँ लेकिन तुम नहीं उड़ सकती क्योंकि तुम्हारे पास पंख नहीं है। ओके, तो आगे की स्टोरी आज हम पढ़ेंगे कि आगे एमली क्या करती है और वह किसके पास फ्रेंडशिप करने जाती है। ओके, बेटा आप लोग को बुक दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे? नहीं दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा है बुक? दिख रहा है। ओके, यस मैम।
हमें यहाँ से स्टार्ट करना है कि वो आप किसके पास जाएगी फ्रेंडशिप करने के लिए. ओके यस. एम बिनी फ्लाई अबे यही से पढ़ना था ना श्रेया बेटा. yes, बिनी फ्लाई अबे बिनी वहां से उड़ जाती है. एमली के पास से बिनी जो उड़ जाती है क्या कहता है कि तुम नहीं उड़ सकती. मैं उड़ सकती हूँ लेकिन तुम नहीं उड़ सकती. ओके okay? आगे क्या होता है इसमें. एमली फील सैड. अब जब बिनी वहां से चली जाती है एमली के पास से तो एमली को कैसा फील होता है. अगर आप किसी से बोलते हो फ्रेंडशिप करने के लिए वो आपसे मना कर दे कह दे कि हम आपसे फ्रेंडशिप नहीं करेंगे तो आपको कैसा लगेगा. अच्छा लगेगा. हेलो अच्छा नहीं लगेगा ना. मैं सैड हो जाऊंगी. सैड हो जाओगी. एमली भी सैड हो गई जब बिनी ने उसे मना कर दिया कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकती तो एमली जो सैड हो गई. ओके आवाज आ रही है सभी को. Yes, ma'am. तो आगे देखते हैं. सी सिट ऑल अलोन बिसाइड अ पॉन्ड. बेटा पॉन्ड मींस क्या होता है. हैंड्स में तालाब. इसको बताना होगा. एक साथ नहीं बोलेंगे बेटा. एक साथ नहीं बोलना है. अपना हैंड्स को करना है. ओके यस मैम. यस श्रेया बेटा पॉन्ड मींस क्या होता है. तालाब. तालाब बेटा. आलोक आप बताइए. तालाब. तालाब बिसाइड मींस क्या होता है. यस खुशी बेटा बिसाइड मींस क्या होता है. खुशी बिसाइड मींस किनारे. ओके एलोन मींस. यस हसीफ. मैं अकेला. अकेला वेरी गुड. तो एमली जो है अकेले तालाब के किनारे बैठ जाती है. ओके सून एमली सीज अ फिश स्विमिंग इन द पॉन्ड. सून मींस. द सून मींस क्या होता है. ये सालों जल्दी. क्या होता है जल्दी. एमली सीज अ फिश. फिश मींस मछली. जल्दी ही एमली ने क्या देखा. एक मछली को देखा. ओके स्विमिंग इन द पॉन्ड. फिश क्या कर रही थी. स्विमिंग मींस स्विमिंग कर रही थी. तैर रही थी. कहाँ पे तैर रही थी. फिश कहाँ पे तैर रही थी. तालाब में तैर रही थी. आउट टू द फिश. फिर एमली ने फिश को देखा और उसे बाहर बुलाया. ओके एमली वहां तालाब के किनारे पहुंचती है. फिश को देखती है तैरते हुए. फिश तो बाहर बुलाती है. ओके अब देखती है बाहर बुला के क्या कहेगी उससे. एमली को यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है आपको. एमली फिश को बाहर बुला रही है ना. बुला रही है ना. उससे फ्रेंडशिप करने के लिए बोल रही है. ओके हाय आई एम एमली. वो आप फिश से कहती है कि मैं एमली हूँ. ओके व्हाट इज योर नेम. तुम्हारा क्या नाम है. आप किसी से मिलते हो अपना नेम बताते हो. बताते हो ना. यस मैम. यस फिर उसका नेम भी पूछते हो. पूछते हो ना. यस मैम. तो वैसे एमली एमली फिश से मिलती है उसे अपना नेम बताती है. ओके फिर उसको भी फिर उससे उसका नेम पूछती है. एमली जो है फिर से अपना नेम बताती है और फिर उसका नेम पूछती है. ओके विल यू बी माय फ्रेंड.
फिर उससे कहती है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, उससे मिलती है, अपना नेम बताती है, उसका नेम पूछती है, फिर उससे कहती है क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी, उसे फ्रेंडशिप करने के लिए कह रही है। ओके यस, देखिए अब आगे क्या होता है, अब देखिए फिश क्या कहती है। हाय आई एम फिनी, अब फिश जो है एमली से कहती है हाय आई एम फिनी, मैं कौन हूँ फिनी, इसका क्या नेम था, फिनी नेम था फिश का, नेम फिनी। यस आई लिव एंड प्ले इन वाटर, लिव मींस यस आलो रहना। ओके तो फिश क्या कहती है, आई लिव, आई मींस नेम मैं, यस कहती है मैं रहती हूँ एंड प्ले इन वाटर, प्ले मींस मैम खेलना, एंड मींस मैं और वाटर मींस मैं पानी, पानी। तो फिश क्या कहती है, मैं रहती हूँ और खेलती हूँ, कहाँ पे खेलती हूँ, पानी के अंदर खेलती हूँ, फिश कहाँ पे रहती है, पानी में रहती है ना, कभी आपने फिश को देखा है पानी में, कैसी लगती है फिश, कैसी लगती है, अच्छी लगती है ना, बहुत सुंदर दिखती है। तो फिश कह रही है कि मैं पानी के अंदर रहती हूँ और पानी के अंदर खेलती हूँ। ओके हाउ टू स्विम देन जस्ट डाइव इन, इफ मीन्स बता इफ मीन्स क्या होता है, यदि क्या होता है, यदि एमली से कहती है इफ यू नो, यदि तुम जानती हो हाउ टू स्विम, हाउ मीन्स हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे कैसे, तो जो है एमली फिश से कहती है ये तुम जानती हो कि कैसे तैरते हैं, देन जस्ट डाइव इन, डाइव मींस डुबकी लगाना, डूबना एंड डुबकी लगाना। ओके तो कहती है कि अगर तुम तैरना जानती हो तो पानी के अंदर डुबकी लगा के दिखाओ, पानी के अंदर आ जाओ, क्योंकि वो पानी के अंदर ही रहती है फिश, तो एमली को पानी के अंदर बुला रही है, कह रही है तुम तैरना जानती हो तो पानी के अंदर आके डुबकी लगाओ। क्या आपने कभी पानी के अंदर डुबकी लगाया है, नहीं लगाया है। ओके आगे देखते हैं, एमली डस नॉट नो हाउ टू स्विम, एमली नहीं जानती कि कैसे तैरते हैं, एमली को तैरना नहीं आता है। ओके यस मैम, आपको तैरना आता है, किसको तैरना आता है, आलोक को तैरना आता है, नो मैम, ये श्रेया को आता है तैरना, हैंड शो कर रही है अपना, श्रेया आपको तैरना आता है, तैर लेती हो, वेरी गुड। तो एमली कहती है एमली डस नॉट नो हाउ टू स्विम, एमली को तैरना नहीं आता है, वह तैरना नहीं जानती है, सी कैन नॉट प्ले विद द फिश, इसलिए वह फिश के साथ नहीं खेल सकी। ओके उसको तैरना तो आता नहीं है, और फिर जो है पानी के अंदर तैरती है, क्या आता है तैरना, नहीं आता है, यस यस मैम, आता है तैरना एमली को, नो मैम नहीं आता है, तो एमली को तैरना नहीं आता, इसलिए वह फिश के साथ नहीं खेल सकी। ओके वंस अगेन एमली इज सैड एंड एलोन, बेटा एलोन मीन्स अकेला, एक बार फिर से एमली जो है दुखी और अकेली हो गई, एक बार दुखी हुई थी ना, यस मैम, कब दुखी हुई थी, दुखी कब हुई थी, अपना हैंड शो करना बताना होगा, ऐसे बोलना नहीं है, अपना हैंड शो करना है, जिससे कहेंगे वही बताएगा। ओके एमली पहले क्यों सैड हो गई थी, इससे पहले, यस
want to tell? Yes, खुशी. Emily क्यों sad थी? इससे पहले Emily क्यों sad थी? Yes, बोलिए खुशी. ओके क्योंकि बर्ड ने उसे फ्रेंडशिप नहीं किया था. ओके तो एमली जो है दुखी हो गई. अब किन्नी भी उससे फ्रेंडशिप नहीं करती है इसलिए वो फिर से दुखी हो गई. ना बिन्नी ही उसकी फ्रेंड बनी और ना ही किन्नी उसकी फ्रेंड बनी इसलिए एमली जो है फिर से दुखी और अकेली हो गई. अब फिर से जंगल में घूम रही है दुखी होकर. घूम रही है ना, दिख रहा है यहाँ पे आपको अकेली है. देखो कितनी दुखी है. बीपिंग कर रही है ना, बीपिंग कर रही है वहाँ. ओके बेटा लोनलीनेस क्या होता है? विदाउट एनीवन, अकेला अकेला, साथ कोई ना हो. ओके डाइव मींस होता डुबकी लगाना. टू जंप हेड फर्स्ट इनटू वाटर, पानी के अंदर पहले सिर डाल के डुबकी लगाना. ओके यस मैम. Do you think Emily could have tried to swim then be sad? क्या आपको लगता है कि Emily दुखी होने के बजाय तैरने की कोशिश कर सकती थी? क्या आपको लगता है? नहीं कर सकती थी कोशिश. क्यों? कोशिश तो कर सकती थी. कोशिश कर सकती थी ना. अगर हमें कुछ नहीं आता हम कोशिश करते हैं सीखने की कि नहीं करते हैं? करते हैं, करते हैं. कुछ नहीं आता है तो हम कोशिश करते हैं सीखने की. तो ऐसे ही एमली को भी कोशिश करना था तैरने की. करना था ना, शायद वो तैर भी लेती. सकती थी ना, कोशिश ही नहीं की. ओके अब दुखी हो गई. अगर दुखी होने के बजाय तैरने की कोशिश कर सकती थी वह, कर सकती थी ना. ओके आगे देखते हैं. जस्ट देन नियर द पॉन्ड सी बम्स इनटू अ ब्राउन स्टोन. बेटा ब्राउन मींस क्या होता है? पूरा. वेरी गुड. जस्ट देन नियर द पॉन्ड, नियर मींस तालाब के किनारे जो क्या होता है सी बम्स, बम्स मींस होता है टक्कर मारना. ओके इन टू अ ब्राउन स्टोन, स्टोन मींस पत्थर. एमली दुखी होकर जा रही थी तो तालाब के किनारे पत्थर था तो उसने पत्थर को टक्कर मारा. उसे एक पत्थर दिखा और पत्थर पे उसने पैर रख दिया अपना. ओके फिर क्या होता है देखो, मिस प्लीज बी केयरफुल. अब उसने पत्थर पे पैर रखा तो वहां से आवाज आई. क्या आवाज आई? मिस प्लीज बी केयरफुल. यस यस वहां से आवाज आई मिस, कृपया सावधान हो जाइए. Yes, ma'am. You are stepping on ma'am. My cell. Cell means? Cell means कवच. तो वहां से आवाज आई कि तुमने मेरे कवच पे पैर रख दिया है. ओके Yes, ma'am. Can you guess? Who was there? बताओ वहां पे कौन था? Emily ने किसके पे पैर रखा? क्या होता है? अब देखते हैं. ऑप्स आई एम सॉरी. आप किसी को हर्ट करते हो सॉरी बोलते हो ना? तो वैसे जो है एमली ने टर्टाइस को हर्ट किया था, उसको चोट पहुंचाया था. ओके उसको सॉरी बोले, उसे माफी मांग रही है उससे. आई थॉट यू वर अ स्टोन, वो कह रही है मैंने सोचा तुम एक पत्थर हो. एमली जो है टॉर्टाइस से कह रही है मैंने सोचा कि तुम एक पत्थर हो, मुझे माफ कर दो.
ओके, मैंने जानबूझ के तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई है, मैं तुमको देखा नहीं इसलिए मैंने तुमको चोट पहुंचा दिया, इसलिए मैं सॉरी बोल रही हूं उससे। आई एम टर्टाइज, मैं कौन हूँ? मैं कछुआ हूँ। माई नेम इज टॉर्टी, मेरा नाम क्या है? टॉर्टी। एंड दिस इज माई हार्ट ब्राउन सेल। हार्ट मीन्स, मतलब हार्ट मीन्स क्या होता है? कठोर, यस। तो कह रहा है कि यह मेरा कठोर भूरे रंग का कवच है। ओके, व्हेन आई स्लीप और प्ले हाइड एंड सीक आई हाइड अंडर इट। जब मैं हाइड एंड सीक गेम प्ले करता हूँ या सोता हूँ तो मैं अपने आप को इसके अंदर छिपा लेता हूँ। हाइड एंड सीक मीन्स क्या होता है? कौन सा गेम हाइड एंड सीक? लुका छिपी। आपको अच्छा लगता है लुका छिपी का खेल? yes, ma'am. खेलते हो आप? yes, ma'am. टॉर्टाइज कह रहा है कि जब मैं लुका छिपी का खेल खेलता हूँ या सोता हूँ तो अपने आप को इसके अंदर छिपा लेता हूँ। किसके अंदर? पत्थर के। नो, अपने सर के अंदर, अपने कवच के अंदर। ओके, देन आई लुक लाइक अ स्टोन, जिससे कि मैं पत्थर की तरह दिखाई देता हूँ। ओके, जब मैं अपने आप को इसके अंदर छिपा लेता हूँ तो एक पत्थर की तरह दिखाई देता हूँ। तो बातें कर रहा है ये एमली से, टॉर्टाइज कर रहा है ना, पिक्चर दिख रहा है आपको? यस मैम। द बम्स मिस होता है टू एक्सीडेंटली नॉक इनटू समवन और समथिंग, अचानक किसी को या किसी भी चीज को चोट पहुंचा देना। ओके, हिला देना होता है बम्स। सेल मिस होता है अ हार्ड आउटर कवरिंग ऑन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बाहर एक कठोर कवच होता है, उनके ऊपर ढका रहता है। ओके, यस मैम, बोलते हैं आगे देखते हैं क्या है। एमली बहुत दुखी है, वह टॉर्टाइज से कहती है यू आर सो लकी। बेटा लकी मीन्स? भाग्यशाली। क्या होता है लकी मीन्स? क्या? भाग्यशाली। तो जो है एमली टॉर्टाइज से कहती है तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों? यू हैव अ सेल, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है? क्यों कहती है वह? कवच, क्योंकि तुम्हारे पास कवच है। ओके, नथिंग इज स्पेशल अबाउट मी, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी खास नहीं है। ओके, एमली जो है टॉर्टाइज से कहती है तुम बहुत ही लकी हो क्योंकि तुम्हारे पास क्या है? कवच है मैम। मेरे पास तो कुछ भी विशेष नहीं है। ओके, आई कैन नॉट फ्लाई, वह कहती है कि मैं नहीं उड़ सकती। कौन कहता है? एमली। एमली कहती है, वह कहती है आई कैन नॉट फ्लाई, मैं नहीं उड़ सकती। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, मैं नहीं जानती कि कैसे तैरते हैं। आगे देखते हैं, आई विल नेवर फाइंड अ फ्रेंड, इसलिए मैं कभी भी दोस्त नहीं बना सकती। एमली जो है टॉर्टाइज से कहती है कि मैं उड़ नहीं सकती हूँ, ना ही मैं तैर सकती हूँ, इसलिए मैं कभी भी दोस्त नहीं बना सकती। यस, व्हाई डू यू थिंक यू आर नॉट स्पेशल। अब टॉर्टाइज जो है एमली से कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि तुम खास नहीं हो। You are special too. तुम भी खास हो, हम लोगों की तरह तुम भी खास हो। कैसे? All of us have a small nose. क्योंकि हम सभी के पास छोटी नाक होती है कि बड़ी नाक होती है? छोटी होती है ना, हम लोगों की नोज छोटी है ना, नाक होती है। यस, तो कहता है टॉर्टाइज कि हम लोगों के पास तो छोटी नाक होती है, बट यू हैव अ ब्यूटीफुल लॉन्ग ट्रंक। ब्यूटीफुल मीन्स
मैम सुंदर मैम सुंदर यस लॉन्ग मिस बेटा लॉन्ग मिस क्या होता है बड़ा लंबा बड़ा यस यस स्ट्रांग मिस स्ट्रांग मिस सून तो टर्टाइस से कहता है टर्टाइस जो है एमली से कहता है कि ऑल ऑफ अस हैव अ स्मॉल नोज हम सभी के पास तो छोटी नाक होती है बट यू हैव अ ब्यूटीफुल लॉन्ग ट्रंक लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत ही लंबा और सुंदर ट्रंक है सूंड है ओके आई कैन ओह यस अब एमली कहती है यस आई हैव अ ट्रंक मेरे पास तो ट्रंक है ओके इट इज लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग या लंबा और मजबूत है इट इज माई नोज या मेरी नाक है एमली जो है टर्टाइस से कहती है कि या मेरी नाक है आई ऑल्सो यूज इट टू होल्ड थिंग्स बी इट बिग और स्मॉल इसका यूज किस लिए करती हूँ बेटा होल्ड मींस क्या होता है पकड़ना यस एमली जो है टर्टाइस से कहती है मैं इसका यूज वस्तुओं को पकड़ने के लिए करती हूँ चाहे वो छोटी वस्तु या बड़ी वस्तु हो मैं अपने ट्रंक का यूज वस्तुओं को पकड़ने के लिए करती हूँ आगे देखते हैं I can fill my trunk with water and spray it on you. वो कहती है टर्टाइस से कि मैं अपने ट्रंक में वाटर को फिल कर सकती हूँ एंड स्प्रे इट ऑन यू स्प्रे मीन्स स्प्रे मीन्स क्या होता है यस तो कहती है कि मैं अपने ट्रंक में पानी को फिल कर सकती हूँ और उसको तुम्हारे ऊपर छिड़क सकती हूँ आई एम स्पेशल टू मैं भी खास हूँ एमली जान जाती है कि मैं भी खास हूँ क्योंकि उसके पास क्या था तो एमली के पास क्या था ट्रंक था यस एमली लिटिल एमली टेक्स सम वाटर इन हर ट्रंक एंड स्प्रेस इट ऑन द टर्टाइस इतना कहकर लिटिल एमली ने क्या किया थोड़ा सा वाटर जो अपने ट्रंक में लिया और उसको टर्टाइस के ऊपर छिड़कने लगी टॉर्टीज एमली न्यू फ्रेंड टॉर्टी जो है अब एमली का नया दोस्त है ऑन सीइंग देम हैविंग सो मच फन उन दोनों को मजे करते देखकर द अदर्स आल्सो ज्वाइन देम इन देयर गेम दूसरे फ्रेंड भी आके उनके गेम में ज्वाइन करते हैं ओके एमली और टर्टाइस बहुत खुश हैं गेम प्ले कर रहे हैं उनको खुश देखकर दूसरे फ्रेंड भी आकर उनको ज्वाइन करते हैं यस मैम एमली हैज मेनी फ्रेंड्स नाउ अब एमली के पास कई सारे दोस्त हो गए ओके बहुत दोस्त अभी तक एमली के पास कोई दोस्त नहीं था कोई नहीं था ना नो मैम अकेली थी Yes. अब उसके पास कितने सारे दोस्त हो गए मैम बहुत सारे यस बहुत सारे दोस्त हो गए कौन कौन मैम मैम पिनी हो गई पिनी यस कई सारे दोस्त उसके बन गए अब एमली जो बहुत हैप्पी है यहाँ दिख रहा है पिक्चर में चलो आगे देखते दिस इज द एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी यस मैम यस मैम एंड होता है यस मैम
ओके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन था इस स्टोरी से, हम उसको सॉल्व करेंगे. यस मैम. लेट अस फाइंड द आंसर फ्रॉम द स्टोरी. जिससे पूछेंगे वही आंसर देगा. ओके सब लोग साथ नहीं बोलेंगे. Who said this and whom? यहाँ पे कुछ लाइन है कि कौन सी लाइन किसने किससे कहा है. I love to play in the blue sky. हैंड्स करना अपना. यस खुशी बताइए बेटा क्या है. आई लव टू प्ले इन द ब्लू स्काई. मुझे नीले आकाश में उड़ना अच्छा लगता है. किसने किससे कहा है. यस मैम बिनी. बिनी से टू मैम बॉय. बिनी से टू एमली. बिनी ने एमली से कहा क्या कहा कि मुझे नीले आकाश में खेलना अच्छा लगता है. आई लिव एंड प्ले इन वाटर. इसको किसने किससे कहा कि मैं पानी के अंदर खेलती हूँ, पानी के अंदर रहती हूँ. इसको बेटा आलो बताइए कि मैं पानी के अंदर रहती हूँ और उसी के अंदर खेलती हूँ. किसने किससे कहा. मैम किसने एलिफेंट से कहा. किसने एलिफेंट से कहा. वेरी गुड. नेक्स्ट. आई एम सॉरी आई थॉट यू वर अ स्टोन. मुझे माफ कर दो मैंने सोचा तुम्हें पत्थर हो. इसको किसने किससे कहा. नहीं रमा बताएंगे. रमा यू टेल. यस एमली ने किससे कहा. टॉर्टोइस से कहा था. ओके यस. व्हेन आई स्लीप और प्ले हाइड एंड सीक आई हाइड अंडर इट देन आई लुक लाइक अ स्टोन. जब मैं हाइड एंड सीक गेम करता हूँ या सोता हूँ तो अपने आप को इसके अंदर छुपा लेता हूँ जिससे कि मैं पत्थर की तरह दिखाई देता हूँ. किसने किससे कहा था. एमली से कहा था. क्या कहा था कि जब मैं छिपी का गेम खेलता हूँ या सोता हूँ तो अपने आप को अपने सेल के अंदर छिपा लेता हूँ. ओके स्टूडेंट्स दिस इज द एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी. आगे के सेशन में हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. ओके गुड बाय. टेक केयर. गुड बाय स्टूडेंट. गुड बाय. ओके बेटा आप लोगों की स्टोरी अच्छी लगी. एमली की स्टोरी अच्छी लगी ना. यस मैम. यस चलो आप आलो बताइए हु इज एमली. एलिफेंट. एमली एलिफेंट थी. ओके रखो से आप बताइए टॉर्टी कौन था. टॉर्टी किसका नेम था. एलिफेंट का. नहीं एलिफेंट का नहीं था. टॉर्टोइस का था. यस मैम. प्रोटोटाइप का नाम था कछुआ. यस और फिश का क्या नेम था. फिश का बर्ड का नेम क्या था. मैम फिनी. मैम बिनी. ओके स्टूडेंट्स गुड बाय.